हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है अतुल्य दुनिया की एक और नई वीडियो में। क्या आप ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं? आप बिग बैंग थ्योरी के तो बारे में जानते ही होंगे। आखिर क्या है ये ब्लैक होल और डार्क मैटर की कहानी? मंगल पे पानी सिर्फ एक झूठ है या एक थ्योरी? इन सभी रहस्यों के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। ब्रह्मांड अपने भीतर ना जाने कितने रहस्यों को छुपाए हुए है, जिन्हें आज तक विज्ञान भी ठीक ढंग से समझ नहीं सका है। तो आइए इसी कड़ी में जानते हैं अंतरिक्ष के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? बिग बैंग ब्रह्मांड की शुरुआत की सबसे प्रचलित वैज्ञानिक धारणाओं में से एक है। बेल्जियम के एक खगोलविद जॉर्ज हेनरी लेमैत्रे ने इस सिद्धांत को दिया। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 14.5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, भौतिक पदार्थ और अस्तित्व एक बिंदु में कैद था। अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और समय, स्पेस और मैटर अस्तित्व में आए। यहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने की शुरुआत हुई। तब से ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रहस्य। अंतरिक्ष का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है, बाकी का 5% हिस्सा भौतिक पदार्थों से। इनमें ग्रह, नक्षत्र, तारे, वे सभी आते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही वह कड़ी है जिसने पूरे ब्रह्मांड को एक सिलसिलेवार ढंग से बांध रखा है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से मिलकर बने हैं जो लाइट को अब्सॉर्ब, एमिट और रिफ्लेक्ट नहीं करते। इस कारण अब तक के साधनों के बल पर इसे देख पाना संभव नहीं है। वैज्ञानिक परिकल्पना कहती है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही इस ब्रह्मांड का आधार है। इसी पदार्थ से पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व बना है। इन पदार्थों की कोई विकसित समझ हमारे पास अब तक नहीं है। ब्लैक होल। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे सघन ऑब्जेक्ट में से एक है। इनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना अधिक होता है कि इसमें से लाइट भी बचकर नहीं निकल पाती। ब्लैक होल का निर्माण विशालकाय तारों के अंदर होने वाले महाविस्फोट यानी सुपरनोवा के कारण होता है। इसकी सर्वप्रथम खोज कार्ल स्क्वार्ज़चिल्ड और जॉन वेलर ने की थी। विज्ञान के विस्तार ने ब्लैक होल के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है, पर आज भी इससे जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके ऊपर से पर्दा अब तक नहीं उठा है। इनमें से एक है, ब्लैक होल के भीतर क्या है? इस सवाल का जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। ब्लैक होल को देख पाना असंभव है। हमें यह भी नहीं पता कि ब्लैक होल के केंद्र में जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसके साथ क्या होता है। कई वैज्ञानिकों की परिकल्पना है कि ब्लैक होल में जाने के बाद ऑब्जेक्ट किसी दूसरे आयाम में चले जाते हैं। यह संसार द्वंद्व पर चलता है। इसी रूप में वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे इस ब्रह्मांड का भी द्वंद्व होगा। उस ब्रह्मांड में हर चीज़ उल्टी होती होगी। यहाँ जिन आधारों पर भौतिकी के नियम कार्य करते हैं, उस ब्रह्मांड में यही भौतिकी के नियम उल्टा काम करेंगे। ब्लैक होल उस द्वंद्वात्मक ब्रह्मांड में जाने का साधन हो सकता है। इसी कारण से व्हाइट होल की धारणा सामने आई है। मंगल ग्रह से जुड़े रहस्य। एक समय मंगल ग्रह भी पृथ्वी के जैसा ही था। वहाँ पर भी बड़े बड़े समुद्र और जलधाराएं थीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले हुए गुरुत्वाकर्षण हलचल के चलते इसकी मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो गई। इस कारण सतह से सारा पानी भाप बनकर उड़ गया होगा या फिर सतह के भीतर ही ठंडा होकर जम गया होगा। कमज़ोर हुई मैग्नेटिक फील्ड के चलते सूर्य की हानिकारक किरणों का प्रभाव सीधी सतह पर पड़ने लगा। उस वक्त अगर कोई प्रजाति मंगल ग्रह पर रह रही होगी तो जल के अभाव और सूर्य की हानिकारक रेडिएशन से उसी वक्त ख़त्म हो गई होगी। नासा के ऑर्बिटर्स ने मंगल की सतह से जो जानकारी भेजी है उससे यह साफ स्पष्ट होता है कि पानी मंगल के दोनों ध्रुवों में जमा है। यानी करोड़ों साल पहले मंगल पर पृथ्वी की तरह ही समुद्र और नदियाँ थीं। इस कड़ी ने एक नई बहस को जन्म दिया है कि हो ना हो, आज से करोड़ों साल पहले मंगल पर भी पृथ्वी की तरह जीवन था। इसी जीवन की तलाश में नासा ने मंगल की सतह पर पर्सिवरेंस को उतारा। इस अनंत विशाल ब्रह्मांड के विषय में अब तक हमने बस इतना ही जाना है। कई बड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जानकारी महज एक मटर के दाने के बराबर है। अंतरिक्ष इससे कहीं ज़्यादा विशाल है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सबसे पहले पाएं।